सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 2,84,000 अध्यापकों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को शासकीय सेवकों जैसे लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह लाभ मिलेगा। इसी को लेकर अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप सेन ने। 11,000 जो अध्यापक हैं अब शिक्षकों की तरह नियमित होंगे। कमलनाथ सरकार ने कल इसके लिए आदेश जारी किए हैं। नियमित और शासकीय सेवक अब शिक्षक कहलाएंगे, जो बरसों पुरानी उनकी मांग थी। हमारे साथ में सभी शिक्षक जो है उनके पदाधिकारी और नेता विभिन्न संघों के मौजूद हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से राम नरेश त्रिपाठी जी और बीजेपी से सुमित ओरछा जी भी है। सबसे पहले विपक्ष में बीजेपी है और शुरुआत भी जो है अध्यापक संवर्ग के वेतनमान की अगर की जाती है तो कहा जाता है कि शिवराज सिंह ने सबसे पहले वेतन बढ़ाने की सुविधा दी थी। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने जो शिक्षकों को कर्मी शब्द से संबोधित करते हुए एक कुचेष्टा की थी शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ, वो उसका जो एक कलंक लगाया था उसको धीरे धीरे शने शने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षकों को वेतनमान की वृद्धि से लेकर के तमाम जो सम्मानीय सुविधाएँ थी जो देने की क्रमशः करते गए। हमारे साथ कांग्रेस से राम नरेश त्रिपाठी जी भी है, शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष। सर, बीजेपी कह रही है कि ये जो श्रेय है कर्मी कल्चर दिग्विजय सिंह लेकर आए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भूल सुधार की। देखिए, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि कर्मी कल्चर कह करके बार बार वो शिक्षकों को अपमानित करते हैं, वो एक प्रक्रिया थी। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, उनकी सरकार थी, 92,000 अतिथि शिक्षकों को भर्ती कर दिया, 2,500 रुपए के वेतन में उन्हें काम करवाया, वो कौन सा कल्चर था? हिंदुस्तान में पहला राज्य मध्य प्रदेश था जहां इतने कम वेतन पर और अतिथि शिक्षक जैसे अपमानजनक स्थिति में उनको काम करना पड़ा, अवकाश उनको नहीं दिया, वेतन कम दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो वचन पत्र लिखा था कांग्रेस में सरकार बनने के पूर्व ही, कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उस वचन पत्र में जो उन्होंने लिखा था कि हम अध्यापकों को शासकीय शिक्षक का दर्जा देंगे, उनका वेतन शासकीय शिक्षक की बात बनाएंगे, आज बहुत ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में हुआ। हमारे साथ शिक्षकों के संघों से भी पदाधिकारी मौजूद है, सुभाष जी मौजूद है। सर, ये निर्णय जो हुआ है किस तरह से आप लोग देखते हैं? जी, ये माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है अध्यापक संवर्ग के लिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। विगत 25 सालों से जो अध्यापक एक मजदूर के मान से जो वेतन पा रहे थे, आज वो शासकीय शिक्षकों की भांति हो गए, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं, बाबूलाल जी मालवीय भी मौजूद है। सर, किस तरह से निर्णय को देखा जाना चाहिए? आपने बीजेपी सरकार भी देखी और कांग्रेस सरकार ने ये निर्णय लिया, किस तरह देखा? मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने कि इतने कम समय में शिक्षकों का सम्मान करते हुए, अध्यापकों का सम्मान करते हुए अध्यापक को शिक्षक बनाया। और सबसे पहले उनकी जो मुख्य मांग थी कि आज हमारे करीब 3,270 जो अध्यापक है जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, जिसके तहत 3,270 ही नहीं प्लस डबल होंगे, दो परिवार को लाभ मिलेगा, तो वो डबल की संख्या में 6,000 घरों को फायदा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा ट्रांसफर का जो 70,000 आवेदन आए ऑनलाइन, जिसमें कि व्यक्ति ने बिना कोई खर्च करे सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करके जिसके ट्रांसफर की प्रक्रिया विचाराधीन है, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके अलावा जो हमारे महंगाई भत्ते की बात है और भत्तों की बात है,